ये समाज में आज भी प्रासंगिक उतना ही है। उन्होंने एक तप किया और मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया और मां लक्ष्मी ने उनको एक नया राज बनाने के लिए कहा और प्रजा की देखभाल के लिए कहा। उन्होंने अग्रोदय राज्य की स्थापना की और अग्रोहा जो कि हरियाणा में है वहां उन्होंने अपनी राज्य स्थापना की और उन्होंने अपनी पत्नी रानी माधुरी के साथ संपूर्ण भारत के भ्रमण और इस तरह से बहुत सारे सामाजिक सुधार किए। जो भी आज आप देखते हैं कि हमारा जो अग्रवाल समाज है, समाज के हर क्षेत्र में जब भी लोगों की जरूरतें होती है, लोगों के लिए आगे बढ़ के काम करना, चाहे स्कूल कॉलेज या किसी भी तरीके के सामाजिक कार्य हो, आप पूरे देश में जहाँ भी जाएंगे लोग, छोटा कस्बा भी हो, एक अग्रवाल समाज के अपना एस्टेब्लिशमेंट आपको कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में आपको दिखाई देगा। तो हम ये समझते हैं कि हमारा एक भाई यहाँ पर होता है जिन्होंने और हमारे योगदान सामाजिक रूप से हम लोग बढ़ चढ़ के करते हैं। नवरात्रि का दिन है, माता रानी की कृपा है और सब पे बनी रहे ऐसी कामना करता हूं। माननीय श्री लालू भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो तीसरी टर्म दमन दीव में चुने गए हैं, स्टेज पर विराजमान अरुण गुप्ता जी चीफ ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी, उनके माताजी पिताजी गोपालदास अग्रवाल जी, हमारे यंग डायनेमिक सेक्रेटरी पवन अग्रवाल जी, महेश जी और सभी अग्र बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे अभी यहां चल रहा था ओम बिरला जी का, उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन का बहुत बड़ा योगदान है, उनका पूरा जीवन समाज सेवा में गया है, तो उनके हम वंशज हैं, तो हमारे खून में भी थोड़ा बहुत तो एक आध अंश हमारे खून में आया होगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जब भी मैं MBBS में गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था तो डीन हरेक को एक क्वेश्चन पूछते थे, हरेक विद्यार्थी को, 1968 की बात है, कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। तो कोई बोलता है मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, कोई बोलता है मेरी माताजी डॉक्टर है, कोई बोलता है मेरी बहन डॉक्टर है, कोई बोलता है मेरा भाई डॉक्टर है, इसलिए बनना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, तो मैंने उनको जवाब दिया कि आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड मेडिकल इज अ नोबल प्रोफेशन, मैं मानव संसार को सर्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और वो मैंने आज तक अपना रखा है। कोई भी गरीब आदमी रात को आए, जैसे बताया गया, कभी भी हॉस्पिटल में कभी हर एक गरीब आदमियों को मैंने दिल से सेवा दी है और मैं जब मरते दम तक ये सेवा देता रहूंगा और समाज के लिए भी करता रहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर अग्रसेन महाराज की शुभ जयंती पर आपको शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत पहले 1968 में मैंने PhD थीसिस सबमिट की थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। मैंने 1962 में BSc किया था, 1964 में मैंने अपनी MSc डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट PhD के लिए कराया। मैं वहाँ काफ़ी समय रहकर अपनी 1968 में बायोकेमिकल फील्ड में मैंने काम किया था। हमारा बायोकेमिस्ट्री फील्ड रहा केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, समझ लीजिए जो ह्यूमन बींग्स होती है। मेडिकल साइंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट विषय है, बायोकेमिकल प्रोसेस, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, बहुत बहुत चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। इस ये विषय MBBS के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी है इसमें विषय पढ़ाया जाता है। जो भी फिजियोलॉजी है, हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस हैं,
उसकी सब बहुत अच्छी जानकारी बायोकेमिकल साइंस के थ्रू मिलती है। एक बायोकेमिकल साइंस जो है 1970 से जब मैंने थी समझ किया था उसमें ये बायोकेमिकल की फील्ड बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़। और जब 1975 आया तो इस फील्ड के लोग बहुत विदेश में जाने लगे, उनकी बहुत रिक्वायरमेंट विदेश में हुई, लार्ज नंबर्स में जर्मनी, ब्रिटेन, यूके, यूएसए, वेरियस फील्ड्स में जाने लगे। यहाँ तक कि हमारा एक क्लासमेट है, हम प्रोफेसर राम कुमार रावत हमारे क्लासमेट थे 1964 में कर रहे थे, उनका लखनऊ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने बनाया है लखनऊ के अंदर। और इस फील्ड में एक खास बात मैं जरूर बताऊंगा कि टॉक्सिकोलॉजी फील्ड है, हम साइंटिस्ट रिटायर हुए 2002 में, हमारा रिटायरमेंट 20 साल से ज़्यादा हो गया, 20 साल पहले हम रिटायर हुए थे मार्च 2002। CSIR IITR हमारी CSIR सबसे बड़ी साइंटिफिक एजेंसी भारतवर्ष की है, CSIR उसके देश में 39 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हम लोग बड़े लकी थे कि लखनऊ में हम आई एम फ्रॉम यूपी लखनऊ, लखनऊ में 4 CSIR के लेबोरेटरीज हैं, इसमें हम थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो देखिए 4 लेबोरेटरीज CSIR की आउट ऑफ 39 लेबोरेटरीज 4 आर लोकेटेड इन लखनऊ। हमने अपना जीवन लखनऊ में व्यतीत किया, चाहे आई हॉस्टल सीतापुर में भी था। दमणमा प्रख्यात यस सिरामिक एंड प्लाईवुड जे छेल्ला 20 वर्षथी मोटी दमणमा कार्यरत छे, ज्यां तमने सेनिटरी वेयर, टाइल्स, फेंसी सीपी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, पीवीसी पाइप फिटिंग्स, एसएस सिंक, वाटर टैंक्स एंड प्लाईवुड वगैरह। Mobile number 9898217712 and 7016373483।